आज आपने मुझसे फाइनेंस के क्वेश्चन दो चैट से और वो जो आई कैप का क्वेश्चन बैंक का है वहां से आपने डिस्कस करने थे। तो पहले तो आप डिस्कस करेंगे कि दो चैट से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप क्या आप डिस्कस करना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर बोलिएगा। क्या पूछना चाहेंगे? जी बोलिएगा, क्वेश्चन नंबर अगर किसी ने को पूछना था उस साइड से। सर क्वेश्चन नंबर 1000 करवा दें एक दफा। 1000 1000 है। मीना हैज इन्वेस्टेड 700,000 इन एन इन्वेस्टमेंट स्कीम। इन रिटर्न शी वुड रिसीव ₹74,587 सेमी एनुअली इन एरियर फॉर द 6 ईयर। उसने कहीं जगह पर 700,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई है और फिर वो अपनी उस इन्वेस्टमेंट से सेमी एनुअली 74,587 रुपीज जो है वो विड्रॉ करवा रहे हैं। शी वुड नॉट रिसीव एनी अमाउंट आफ्टरवर्ड, यानी कि 6 साल में उसके जितने भी पैसे उसने इन्वेस्ट किए थे, क्योंकि वो 76,000 रुपया निकलवा रही है तो 6 साल में उसके पैसे कंप्लीट हो जाएंगे। कहते उसको कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा था जब सेमी एनुअली कैलकुलेट करेंगे तो नॉमिनल, और बाद में उस नॉमिनल रेट को हम इफेक्टिव रेट में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। अब ये पैसे उसने इन्वेस्ट किए हैं और वहां से रेगुलरली निकलवा रही है, तो ये तो एक एनुटी हो गया। ही वुड रिसीव दिस वन सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का मतलब हर 6 माह के बाद रिसीव कर रही, वहां से ले रही है। कहते जी इसको उस स्कीम का, उस इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रेट बताएं कितना था। हमने पढ़ा था कि अगर कोई रकम अवेलेबल हो और आप उसको रेगुलरली विड्रॉ करें, ये तो प्रेजेंट वैल्यू का प्रॉब्लम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना, तो जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, तो क्वेश्चन तो फिर बनेगा कि यहाँ पर कुछ पैसे उसने रखे हुए हैं 700,000, सेमी एनुअली वो निकलवा रही है, 7 साल तक उसने कुछ पैसे सेमी एनुअली विथड्रॉ करवाने, और वो जो रकम विथड्रॉ करवानी है 74,587, ये पैसे वो यहाँ से निकलवाएगी 6 साल तक, और 7 तक 6 साल तक। अब आपने इसके लिए इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आप यूज करोगे, ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करें माइनस है। इसमें वैल्यू आप इनपुट करोगे,
और 700,000, 74,587, 1 माइनस 1 प्लस, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है सेमी एनुअल, माइनस 12 ओवर आई बाई टू। और मैंने कहा था कि ये एक्चुअली मैनुअली सॉल्व नहीं हो सकता, तो आपको ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ही फीड करके और सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो आपको यहाँ से करनी होगी। जी इसके बाद कर लेंगे। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था मैं उनका माइक ऑन करता हूँ। यस सर, जी इसके बाद कर लेंगे या इसको भी फीड कर दो कैलकुलेटर। लगा यहाँ पे मेरी गलती हो रही थी। अच्छा चलो, ये बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन था, क्योंकि उसने विड्रॉ करने थे 700,000 की इन्वेस्टमेंट की है और वहां से वो 74,587 रुपीज वो निकलवा रही है फॉर 6 ईयर्स और उसके पैसे पूरे हो जाएंगे। बताना था कि वो किस रेट के साथ जो है उसको क्या इंटरेस्ट रेट उस इन्वेस्टमेंट से मिलता है। इसके बाद मैनुअली तो ये कैलकुलेट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी पावर -12 है और नीचे भी आई है, और इसको आप एज इट इज कैलकुलेटर पर फिट कर दें। कोशिश करें जैसे मैंने कहा था कि ये इधर डिवीजन में ले आए, ताकि थोड़ा सा जो है कैलकुलेटर का भी सांस जरा थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है ना, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। और ये वाला जो 2 है इसे भी, क्योंकि ये 1/2 है और इस भी जाके इधर भी इसको मल्टीप्लाई में आप ले, तो ये एक्सप्रेशन सॉल्व कर लें, इज इक्वल टू कैलकुलेटर पर फिट कर दें, और ऊपर भी ये अननोन है और नीचे भी ये अननोन है, तो इसलिए थोड़ा कैलकुलेटर के लिए आसान हो जाएगा। जी और कोई? और किसी ने क्वेश्चन पूछना हो? जी अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम। जी। 11:24 11:24 11:24 है, शाहिद प्राइवेट लिमिटेड हैज डिटेक्टेड द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स एट 2 डिस्काउंट रेट्स। द रेलेवेंट डेटा आर एज फॉलोज। डिस्काउंट रेट एक्चुअली इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं ना, डिस्काउंट रेट इज एन इंटरेस्ट रेट। और कहता है कि अगर 20% डिस्काउंट रेट हो तो एनपीवी 60 आती है। अच्छा क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन क्या लिखा है? द रेलेवेंट डेटा आर एज फॉलोज और रेट ऑफ एक्चुअली ये उसके ही रेलेवेंट प्रॉब्लम है, ये यानी कि वो उससे नंबर लग गया, तो ये अब क्वेश्चन कंप्लीट होगा। शाहिद लिमिटेड हैज डिटेक्टेड द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एट 2 डिस्काउंट रेट्स। द रेलेवेंट डेटा इज एज फॉलोज। और क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट, आईआरआर उसने पूछा। अच्छा ये जो डिस्काउंट रेट है, एक और थोड़ी सी आपसे बात करनी थी। बेसिकली क्योंकि मैथ्स में तो, और मैं आपको मैथ्स कर रहा हूँ, मैथ्स में तो नेगेटिव हो तो हम नेगेटिव साफ लिख देते हैं, लेकिन फाइनेंस वाले क्या करते हैं, कोई नेगेटिव एंट्री इंडिकेट करनी हो ना नेगेटिव, तो वो पैरेंथेसिस में लिखते हैं जिसका मतलब होता है नेगेटिव वन, अगर उन्होंने नेगेटिव वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर। फाइनेंस की ये फाइनेंस पे देखो ना, उसने ब्रैकेट में ये लगाई हुई है, तो इट इज अ नेगेटिव वन।
और जब दो डिस्काउंट रेट दिए हुए हो, इंटरेस्ट रेट एनपीवी दी हुई हो, वहां से वो एनपीवी कैलकुलेट करना जो जीरो हो जाए, वो इंटरेस्ट रेट कैसे आईआरआर, क्योंकि उसने आपको एनपीवी दी हुई है, जो हायर है उसे बी कहते हैं, बी परसेंट है ये और ये ए परसेंट है। इसके बाद आप इसके फॉर्मूले में आप कुछ कर लें, ए परसेंट प्लस एनपीवी ऑफ हायर वैल्यू जो कि ए परसेंट पर आती है, ओवर एनपीवी ऑफ हायर वैल्यू माइनस एनपीवी ऑफ लोअर वैल्यू एंड देन मल्टीप्लाई फिगर बी माइनस ए परसेंट। इससे आप जो रेट कैलकुलेट करोगे वो एनपीवी, थोड़ा सा वैसे गेस करने के लिए कि ये एनपीवी जो है वो 60 है, ये एनपीवी जो है वो नेगेटिव 120 है। तो एक बात समझ आई कि एनपीवी जीरो यहाँ के 60 और माइनस 20 के दरम्यान में कहीं होगी, ठीक है। अच्छा, ये रेट कितना है, 60 पर रेट है 20%, ये 30%, तो जो आईआरआर है वो 20 से 30% के दरमियान में कहीं होगा, ये तो स्टेट फॉरवर्डली आप आउट कर सकते हो, ये आप स्टेट फॉरवर्डली आउट कर सकते हो, बस थोड़ा सा ऐसे ही, हमें क्लियर नहीं है कौन सा होगा। अब आप इस फार्मूले से कैलकुलेशन कर लें तो इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा और इस क्वेश्चन के मुताबिक भी आंसर बनता है। तो एक तो ये बताना था कि इस नोटेशन को अगर लिखा हुआ हो फाइनेंस में और आप समझे कि किसी जगह नेगेटिव फर्ज करें होना चाहिए था, ये नेगेटिव दे दीजिएगा, लाजमी तो नहीं है ना कि नेगेटिव जरूर होना चाहिए, बस हमें दो एनपीवी चाहिए, एक हायर एनपीवी और एक लोअर, लेकिन अगर नेगेटिव आ जाता है तो दैट्स गुड, और वो उस टर्म को पैरेंथेसिस के अंदर लिख देता है जिससे मुराद होती है कि दिस इज द नेगेटिव है, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल अब आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अब आप कर सकते हैं, जैसे वो नेगेटिव था वो वैल्यू थी वो नेगेटिव जी, बोलिएगा A man owes 4,000 due in 4 years, 3,400 due in 6 years. उसने कहीं से कोई लोन वगैरह लिया था, उस लोन की किस्तें बनी हुई हैं, 4 साल के बाद उसने 4,000 रुपया वापस करना है और फिर 6 साल जब हो जाएगा तो 3,400 रुपया उसने मजीद वापस करना, 4,000 और 3,400 रुपया उसे जो है वो वापस कर, उसने जो लोन लिया था एक तो उसने 4,000 वापस करना है और एक उसने 3,400 वापस करना है, ये 4 साल के बाद वापस करना है, ये 6 साल के बाद, उसने लोन लिया होगा उसकी किस्तें बनी हुई है, इसमें जाहिर है लोन की विकार भी है और इंटरेस्ट भी है। हिज क्रेडिटर जिससे उसने लोन लिया था has agreed for him to pay the two debts with a payment of 3,000 in 3 years and remainder in 8 years. उसने ना negotiation की, कहता चलो फिर ऐसा करो कुछ पैसे ना तुम 3 साल के बाद दो, ठीक, कुछ पैसे 3 साल के बाद, और वो जो 3 साल के बाद पैसे हैं वो कितने पे करने, 3,000, और बाकी 8 साल के बाद, और बाकी जो बचेगा जितने उसके जिम्मे बाकी पैसे रह जाएंगे वो पता नहीं, तो मैं ऐसे एक्स कह दूंगा, पहले उसने पे करने थे
चार साल के बाद चार, छह साल के बाद 3400। उसका क्रेडिटर उससे कहता नहीं यार इसको जरा थोड़ा स्कीम को, पेमेंट स्कीम को चेंज करें। एक पेमेंट उसने अब कर दी 3 साल के बाद और वो 3000 की कर दी। उन्होंने कहा थोड़ा कम दे दो, बाकी मैं बाकी जो बचेगा ना फिर 8 साल के बाद। अब बाकी देखे, जब भी आपका लोन रह जाता है आपके जुम्मे और कह दिया जाए कि ये लोन जो है ये 4 साल के बाद कितना होगा, डॉट से उतना ही होगा, उसमें इंटरेस्ट आ चुका होगा। तो आपने इस तरह के हमने प्रॉब्लम्स किए थे वो रेफरेंस डेट वाले, कि किसी भी डेट को यहां पर एक रेफरेंस डेट कंसिडर कर लें और तमाम पेमेंट्स जो करनी थी ये दो, जो ड्यू थी अमाउंट, उन ड्यू अमाउंट को रेफरेंस डेट पर ले जाएं। अब रेफरेंस डेट कुछ भी ले सकते हैं आप, और मैंने कहा था कि जहां पर अननोन हो, जो वैल्यू फाइंड करनी हो, उसे उसे रेफरेंस डेट डिक्लेयर कर लिया करें। अब आप 8 ईयर को रेफरेंस डेट डिक्लेयर कर, जो अमाउंट ड्यू है उन ड्यू अमाउंट्स को आप रेफरेंस डेट पर ले जाए। तो अमाउंट्स ड्यू एट रेफरेंस डेट, अमाउंट ड्यू कितनी जो उसने पेमेंट करनी थी एट रेफरेंस डेट, जो कि इस वक्त 8 साल। अब ये जो 4000 की पेमेंट है, इसे जब आप यहां पर 4 साल के बाद लेके जाएंगे तो ये बन जाएगी फ्यूचर वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट की। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी इसमें? रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन कर रहा है 7% है और कंपाउंडेड क्वार्टरली है। 7% रेट है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है और चार, और ये चार ही बनते। तो ये पहली अमाउंट ड्यू रेफरेंस डेट पे प्लस। अब दूसरी जो अमाउंट ड्यू है 3400 की, वो भी रेफरेंस डेट पे। और वो हो गई 6 से 8 पे जाना था 2 साल के बाद। ये तो हो गई अमाउंट ड्यू एट रेफरेंस डेट, और उसके बाद पेमेंट्स जो कर रहा है एक्चुअली, ये तो उसकी किस्तें बनी थी ना। जैसे आप किसी से बात करते हो, अच्छा कहते हो यार इतने पैसे तुम 4 साल के बाद दे देना, इतने पैसे तुम 8 साल के बाद दे देना, ठीक है ना। कहता जी अगर वो ऐसा ना करे बल्कि 3 साल के बाद 3000 दे दे और बाकी जो उसके जिम्मे रहता वो 8 साल के बाद अदा करे, तो बाकी उसके जिम्मे 8 साल के बाद रहता कितना होगा। तो पेमेंट्स एट रेफरेंस डेट वो भी यहां पर ले जाए। 3 साल की पेमेंट को भी रेफरेंस डेट पे लेके जा रहे हैं तो 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद प्लस दूसरी पेमेंट किधर है? एक्स है। किधर है? 8 साल, वो तो है ही रेफरेंस डेट। अब क्या है? ये पेमेंट्स करनी थी, ड्यू थी, ये वो कर रहा है, ये दोनों इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं। यानी कि ये जितनी भी एक्सप्रेशन है मस्ट इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, इसमें एक्स अननोन रह जाएगा। तो एक्स जो है वो आप इन प्रॉब्लम्स को ऐसे समझा करें कि उसकी इंस्टॉलमेंट्स बनी हुई थी, वो उस इंस्टॉलमेंट जितनी ड्यू डेट थी वो ड्यू डेट पे नहीं दे रहा, वो आगे पीछे कहीं पे कर रहा है। पेमेंट्स को भी एक रेफरेंस डेट पे ले आए।
जो ड्यू अमाउंट थी वो भी रेफरेंस डेट पर कितनी हो जाएगी, जो देखे ना उतनी हो जाएगी तो उतनी पे करे ना फिर। तो पहले कैलकुलेट कर लिया कि रेफरेंस डेट पे जो अमाउंट ड्यू थी वो हो कितनी जाएगी, यानी कि 8 साल के बाद। आप कहिए जो कुछ पे कर रहा है वो 8 साल में उतना तो होना चाहिए, दोनों बराबर तो होने चाहिए। तो इसको आप इक्वल करके और देन एक्स के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। रेफरेंस डेट कोई भी हो सकती है, वो 3 साल भी हो सकती है। तो ये 1 साल पहले ले आए, इसे पहले ले आए 3 साल, ये 3 साल पहले आ जाएगा। एंड कंपैरेटिवली आप दोनों बराबर करके आप एक्स के लिए सॉल्व। जी कोई और क्वेश्चन हो ये कर लेंगे, अगर तो आप कर लेंगे तो दैट्स गुड, अगर नहीं तो फिर आप मुझे बताएं, मैं दोबारा ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी 1133 है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 ईयर इज 832। उसने कोई इन्वेस्टमेंट की और वहां से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2 साल का वो 832 रुपए का। एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम सम फॉर द सेम पीरियड इज 800। अगर वो उतने ही पैसे सिंपल इंटरेस्ट में लगा दे और जो रेट उसे यहां मिल रहा है एग्जैक्टली वही रेट उसे सिंपल इंटरेस्ट में भी मिले तो फिर कहता 800 रुपया उसका अब बनता है, 32 रुपए उसका इंटरेस्ट कम बनेगा। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स विल बी, कहता 3 साल का बता। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि अगर सेम प्रिंसिपल हो, सेम टाइम हो और सेम इंटरेस्ट रेट हो तो आपको जो इंटरेस्ट की अमाउंट मिलेगी वो कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में ज्यादा मिलेगी। अब यहां पर पता चल रहा है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 832 रुपए बनता है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए बनता है, ठीक है ना, 2 साल का ये। तो हमने एक डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा था कि डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, ये डायरेक्टली हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हो सेम प्रिंसिपल सेम अमाउंट तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा अर्न करते हैं, और वो कितना ज्यादा अर्न करते हैं, पी आर स्क्वायर। अब यहां पर जो डिफरेंस है वो बनता है हमारे पास 32 रुपए ज्यादा इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। अगर आप क्वेश्चंस को देखें तो ये तो चले ठीक है, ये 832 रुपए इंटरेस्ट बनता है, ये 800 रुपए बनता है 2 साल का, प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट कोई पता नहीं, इंटरेस्ट रेट कोई पता नहीं, दोनों ही अननोन है, और इक्वेशन में भी देखें कि ये दोनों ही अननोन आपको नजर आ रहे हैं पी आर स्क्वायर। अब किसी तरह से एक और इक्वेशन मिल जाए जिसमें पी और आर ही हो तो हमारे पास 2 इक्वेशन होंगी और 2 अननोन हो जाएंगे। तो एक और इक्वेशन चाहिए जिसमें पी आर का वर्ड हो। ये देखिए ये बल्कि 2 आपके पास अवेलेबल है, इक्वेशन एक भी नहीं, एक तो आपने यहां से बनाई ना, तो आपके पास तो वहां पर 2 इक्वेशंस अवेलेबल है, ठीक है ना। अब चूंकि वहां पर 2 इक्वेशंस अवेलेबल हैं, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट होता है पीआरटी। अब पी तो हमें पता नहीं है, रेट हमें पता नहीं है, इतना पता है कि ये 2 साल का इंटरेस्ट है 800, तो टी पता है और इस साइड पर क्या आ जाएगा 800, तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। पी आर
अब अगर इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो ये आ जाएगा पी आर स्क्वायर विच इज 32 और नीचे दिया हुआ पी आर, पी आर इज इक्वल टू 400। अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है क्योंकि इसमें दो अननोन आ रहे हैं, दो अननोन आ रहे हैं, कौन कौन से, एक P और एक R, ठीक। आप इन दोनों को ना डिवाइड कर दें, कैंसल, एक R के R कैंसल, R आ गया 32 by 400। और क्योंकि रेट आप परसेंटेज फॉर्म में लिखते हैं तो आपको परसेंटेज फॉर्म में इंटरेस्ट रेट पता चल जाएगा। तो एक्चुअली इसमें आपको नॉन इंटरेस्ट रेट पता था, नाम प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट पता थी, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी थी। एक इक्वेशन तो आ गई सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ये वाली। अब उसने क्वेश्चन ये किया था कि 3 साल का कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है 3 साल का वो क्या होगा। तो उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years, उसका फॉर्मूला था 3